चल रहे थे कौन पाठ करते कौन सा सर
लोग चेतन चेतामृतम आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद से राहा जी की तत्व के बारे में कुछ दिनों तक श्रवण कीर्तन कर रहे थे, जिसमें हम जो श्रवण कर रहे थे कृष्ण जिस प्रकार विरुद्ध धर्ममय, उसी प्रकार श्रीमती राधिका जी भी विरुद्ध धर्माश्रय। इस विषय को कुछ विचार कर रहे थे। विरुद्ध धर्म यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु के गुणों के द्वारा विपरीत जब होता है जिसे विरुद्ध धर्म कहा जाता है। जैसे अग्नि आग और बर्फ, ये दोनों वस्तु अलग है। अग्नि और बर्फ एक जगह में नहीं रह सकते। बर्फ देखा, क्योंकि अग्नि के ताप से बर्फ पिघल जाए। यदि जहां पर अग्नि है आग में बर्फ नहीं जा सकती। दोनों वस्तु की क्रिया धर्म अलग है। आग की क्रिया क्या है? वस्तु को जला दे, ताप दे। और बर्फ की क्रिया क्या है? बर्फ क्या करता है? ठंडा करता है। बर्फ ठंडा और अग्नि, ये दोनों वस्तु अलग होता है, धर्म भी अलग है। ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण में दो वस्तु जो विरुद्ध धर्म रहा था, जैसे सर्वज्ञता और मुक्तता, सब जानते हैं वही भगवान सब के हृदय में परमात्मा के रूप में घट घट भासी सबके हृदय में रहते, सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हुए पर भी अज्ञता प्रकाश करते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। सभी जीवों के संचालन कौन करते? भगवान करते हैं। उनकी इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं होता, मिलेगा नहीं। और वही कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध नहीं हो इसके लिए पांडवों के पक्ष होकर के जा रहे हैं हस्तिनापुर दुर्योधन के पास सुलहनामा करने के लिए। क्या सुलहनामा करना है? क्या करना है? ये पांडवों के पांच गांव दिया जाए तो करने की जरूरत नहीं है। हस्तिनापुर की और खंडप्रस्थ की सारे दुर्योधन भोग करे, केवल पांच गांव दिया जाए बस, और जो कुछ भी हो गया सब भूल जाए, ऐसा भूल जाना चाहिए बस। भगवान कृष्ण यही तो कहते जा रहे हैं सभा में, ये मैं पांडवों के पक्ष होकर के मैं आया हूं सुलहनामा करने के लिए बस। राजा कौन थे? हस्तिनापुर के राजा कौन थे?
धृतराष्ट्र तो बाद में बनाएगा पांडु को, धृतराष्ट्र। और उन लोग के कहना क्या है, नहीं बड़े पुत्र जो है राजा बनेगा, किंतु धृतराष्ट्र अंधे थे इसलिए उनको राजा नहीं बना करके पांडु को राजा बना, पांडु को राजा बनाया है। किंतु हो गया क्या, फिर धृतराष्ट्र के राजा बनाया है। पांडु जब छोड़ दिया सर तब धृतराष्ट्र के राजा बना दिया। एक्चुअल धृतराष्ट्र राजा होने के युग नहीं है, अंध अंध क्या राजा करेंगे जो देख नहीं पाते है, क्या है नहीं है विचार क्या करेंगे है, केवल सुनने से थोड़ी होता है देखना तो पड़ता है ना है। इसलिए कहावत है पानी और जल, ये जल और राजा दोनों क्या है, खाना खाना समझते हो, अंधा पानी के जिस तरफ ले जाओ चला जाएगा, ऊपर को उठाओ उठ जाएगी नहीं उठेगा, अरे फोर्स तो उठ जाएगा है। पानी की ऊंची तरफ भी उठा ले जाओ जाएगा, पानी खाना है मानी अंदर जिस तरफ बहते जाओ जबरदस्ती तो चलता जाओ, और राजा भी अंदर है, उनके अनुचर जैसे बोलेंगे ऐसे सुनेगा। किंतु वास्तव राजा की कर्तव्य क्या है, अपने आंखों के साथ देखे, जो सुनना नहीं है, प्रजाओं की सुख दुख राजा जाकर के देखे। प्राचीन काल की इतिहास बता देते, विक्रमादित्य आदि ये सब तो महान राजा लोग धार्मिक राजा थे, गांव गांव में जाते थे कैसे वेश बदल करके, राजा के वेश में नहीं है, वेश बदल के अकेला चले जाते थे, कोई साथ में कोई नहीं है, ये नहीं है जे मैं आ रहा हूं पहले बंदोबस्त तो साफ करके रखेगा, क्या देखिए गंदगी कहां पड़ा हुआ है, बस कहां गंदगी क्या पड़ा हुआ है राजा के क्या पता चले। इसलिए पहले 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 राजा लोग शासनकर्ता लोग क्या करते थे, गांव गांव में जाते थे वेश बदल करके, राज वेश में नहीं साधारण व्यक्ति के वहां की जाते, कोई पहचान देखते थे वास्तविक में क्या हो, और नहीं तो क्या करे। वर्तमान जो समाज व्यवस्था है ये ठीक नहीं है, उनको देखने के लिए अगर प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो शासनकर्ता हो उसको कैसे देखना है, वेश बदल करके है, आप लोग देखना है वास्तव क्या। तो हमें विक्रमादित्य तो आदि प्राचीन राजाओं की इतिहास हम देखते हैं कैसे वेश बदल के जाते, प्रजाओं के सुख दुख सुनते थे, यही तो बताया। यदि देखा ही नहीं फील्ड में नहीं गया तो क्या बताइए, जैसे जो प्रजा कह देंगे दूसरे उनके जो अनुजाई जैसे कह देंगे राजा उसको मानेंगे। इसलिए धृतराष्ट्र अंधे थे, ना वो अकेला जा सकते हैं ना वेश बदल के कुछ कर सकते, ये तो उसके सिंहासन में बैठा दिया, अंधे व्यक्ति सिंहासन में बैठे क्या करेगा, एक तो आंखों में अंधा भी है और एक दूसरी कैसे थे वो पुत्र स्नेह भी अंधे थे। धृतराष्ट्र सब जानते थे बस सब सुनते थे, जो जो दुर्योधन दुशासन जो दुष्कर्म आदि किया भीम के मारने के लिए विष दे दिया जहर, उनके गृह में आग लगाई लक्षक लाख
आग लगाई, क्या जानते नहीं, सब सुना होगा। दुर्योधन की दुराचार के बारे में सब कुछ जानते, किंतु कुछ कर नहीं। चलो आगे की कथा जो है इसलिए कह रहे, कृष्ण इतना ही कह रहे लेकिन ठीक है हम सब भूल जाएंगे उनके लिए, प्रतिशोध नहीं, प्रतिशोध लेकर के फेंक दिया, तो वही तो आग जलेगी फिर। इसलिए जा पांच गांव के लिए, बस हस्तिनापुर और खंडप्रस्थ, देखिए क्या बोलते हैं, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कृष्ण बनाया है, पांडव लोगों ने तो बनाया, इंद्र केवल अर्जुन ने कृष्ण के साथ सब ले लो, केवल पांच गांव दिए गए। किंतु दुर्योधन ने क्या कहा, कुछ नहीं, बिना जुते नहीं दिवो सुचाग्र वेदी, बोले सुई के, सुई के नोक पर जितना मिट्टी उड़ सकते वो भी नहीं देंगे युद्ध। किंतु युद्ध के परिणाम क्या है उसके पता नहीं है। चलो भाई, मेरे कहने की तात्पर्य है, यदि भगवान चाहते कि युद्ध नहीं बंद हो जाता, सुलहाना नहीं, लेकिन वही कृष्ण तो दुर्योधन के हृदय में बैठे हुआ है परमात्मा के रूप में, इसलिए वास्तव रूप में देखा जाए ये भगवान की इच्छा बिना, उनकी इच्छा बिना उन्हें कुछ नहीं हुआ। युद्ध की जो कुछ भी संहार, जो कुछ भी हुआ, इसके मूल सन भगवान ही है, सब कुछ सर्वमूलम ही भगवान, सबके मूल भगवान सब कुछ करते हैं। यदि सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में विचार करें, हम इस संसार में क्यों आए, भगवान की इच्छा कहीं नहीं लगा हुआ है। यदि भगवान चाहते सब हम चले जाते, कर्तुम अपर्तुम अनथा कर्तुम जो समर्थ स भगवान इति वाक्य, भगवान जो होने वाले है उसके बिगड़ सकते हैं, जब बिगड़े वाले भाई उसके ठीक कर सकते हैं, वो जैसे चाहे सब कुछ कर सकते। तो मेरे कहने की तात्पर्य यह है, भगवान में समस्त विरुद्ध धर्म है, आत्मरामता आत्मकमता ये समस्त विरुद्ध धर्म का, ये सब कुछ कथा हम लोग कई बार 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 श्रवण कर रहे हैं और बार बार भूलते जा रहे हैं। जितने बार सुन रहे हैं उतनी बार बोल रहे हैं। चलो जितने बार भूल जाएंगे उतने बार हम बार बार आलोचना करेंगे, है कि नहीं। तो यह बच्चे इतने चरितामृत में इस समस्त वर्णन करते जा रहे हैं, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं जैसे मैं विरुद्ध धर्म मन, उसी प्रकार श्रीमती राधिका भी विरुद्ध धर्म आश्रय, राधा जी
ग्लास पानी में पूरा जो है पानी भरा हुआ, उसमें एक बूंद और एक ग्लास पानी डाल दो, क्या होगा? नीचे पानी गिर जाएगा। किंतु पानी नहीं गिर करके उसमें समा जा रहे, कैसे जा रहे? नीचे भी एक बूंद गिर नहीं रहे और गिलास भी छेद भी नहीं है, गिलास में नीचे छेद नहीं है और आप ऊपर से पानी डालते जा रहे, तो पानी कहां जा रहे? पानी जा रहे कहां? ये अप्राकृत जगत में इसकी काल है। इस जगत में एक ग्लास पानी में जो अधिक पानी दिया जाए वो गिर जाएगा ऊपर नीचे, किंतु ऐसी अप्राकृत जगत में की कथा इसके कारण वो पानी नहीं गिर। एक लोहे के टुकड़ा आप पानी के क्या बोले आग धक धक करते हुए आग में उसको रख दिया और कुछ समय के बाद वही लोहे के टुकड़ा निकाला, देखा वो बर्फ के बहुत ही ठंडा है, ये कैसे हो सकता है? ये विरुद्ध धर्म, हम जो काफी जगह जा रहे हैं विरुद्ध धर्म है क्या चीज? ये आग में वस्तु रखा वो वस्तु ताप नहीं दिया, ये कभी हो नहीं सकता। किंतु चित्रगत में प्रेम के राज्य में इसी की कहते हैं विरुद्ध धर्म। तो इसी कहते हैं राधा जी की जो है हम तीन विरुद्ध धर्म आश्रय के बारे में है हम लोग आलोचना किए, तब कई दिन तक इसको बारे में आलोचना किया। प्रेम ऐसे एक वस्तु इस जगत के प्रेम कहां है कहां पर ये लोग के कहें को समझ पाएंगे? प्रेम है कहां पर? जिसको हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है, वो है क्या चीज? वो काम है और उसका हम प्रेम करते जा रहे हैं। प्रेम की जो परिभाषा शुद्ध विशुद्धता जो प्रेम एकमात्र चित जगत में, इस जड़ जगत में प्रेम इसलिए समस्त जीव जो वस्तु की आलोचना समझना बहुत कठिन हो जाएगी, ज्यादा बोले तो नींद आ जाएगी, क्यों यदि नहीं समझ में नहीं आ जाए तो मन बोले शांत हो जाता है, बस सो जाओ, नींद आती है सो जाओ। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते जा रहे, क्योंकि चित जगत में वहां पर राधा जी गोपी के हृदय में अपने सुख नहीं, अपने सुख है जो कुछ भी गोविंद के सुख के लिए, काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम निर्मल उज्जवल शुद्ध जन दबदबीम, गोपियों के हृदय में स्वाभाविक रूप में काम गंध नहीं, अपने को सुख नहीं, कृष्ण कैसे सुखी हो? कृष्ण सुख हेतु और ये सब व्यवहार, गोपियां खाती हैं पीती हैं सुंदर वस्त्र आदि धारण करती है अलंकार आदि पहनती है, किसकी? गोविंद के सुख के लिए। कृष्ण देख करके आनंदित हुए और कोई कारण नहीं है,
गोपियां भी सुंदर सुंदर वस्त्र आदि धारण करती है। जैसे आप लोग कीर्तन करते हैं ब्रज में, क्या कीर्तन करते हैं? कोई एक गोपी कृष्ण के निकट पहुंचे तो कृष्ण गोपी कहने देखो तुम्हारे सुंदर वस्त्र अलंकार सब कुछ ठीक है, केवल तुम्हारे एक आंख में काजल दूसरी आंख में काजल नहीं, क्यों? सरस श्रृंगार करके वो गोपियां पहुंची, वो गोपी पहुंची कृष्ण के पास। तो गोपियां गोपी वो गोपी क्या उत्तर दी, क्या कीर्तन करो, क्या बोली? ये कृष्ण मैं तो आ रही थी काय को बंसी बजाए, क्या कीर्तन बताओ, याद है? कन्हैया मैं तो आ रही थी काय को बंसी बजाए, मैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए मैं तो सुर सिंगर कर रही थी। सब कुछ अलंकार सब कुछ पर, और इतने समय मैं एक आंख में काजल लगा दी दूसरी आंख में लगाने के जा रही थी, इतने समय तुमने भंसी की तान छोड़ दी, इसलिए मैं सब भूल गया। फिर कृष्ण ने क्या किया, देखो कृष्ण इसके सुन करके बहुत प्रसन्न हुए, ये मेरे प्रति इतने प्रगाढ़ अनुराग अनुराग मिलन की प्रगाढ़ अनुराग। फिर कृष्ण ने क्या कि स्वयं काजल मंगाया किसी से और उस गोपी को श्रृंगार कर दी, काजल आंख में लगा ली, संग श्रृंगार कर, और जो अवशिष्ट जो काजल थे उसको क्या किया एक पत्थर पर, देखो अभी तक 5000 साल बीत गए, कृष्ण ने जिस पत्थर पर वो काजल पहुंच गया वो पत्थर अभी तक है, कहाँ है? अजनोक वज्र नाम इसी लीला को स्मरण करने के लिए ब्रजमंडल में ऐसे गांव भी बैठा है, गांव के नाम है क्या अजनोक? हम लोग जाते हैं ब्रजमंडल परिक्रमा परिक्रमा करते भी और खेत क्या कौन सा वन खदी टन खदीर वन के पास है, उसके पास ही जो है 1.5 किलोमीटर दूर है, सुंदर रमणीय स्थान है, आज तक भी उसको रखा है। पहले पहले तो मंदिर नहीं था, हम लोग गुरुदेव के साथ जब गए थे बहुत साल पहले, फिर धीरे धीरे उसे मंदिर बनाया, पहले पहले तो पत्थर भी बाहर रखा था, अभी तो पत्थर को जाए कोई लेकर के ना चले ना जाए, इसलिए उसको कहाँ रख दिया, इसमें रख दिया। तो मेरे कहने की तत्पर जो है, गोपियों की जो कुछ भी क्रिया आदि है सब गोविंद के सुख है, वस्त्र धारण अलंकार सुर श्रृंगार ये सब कृष्ण सुख के, अपने सुख नहीं, जहां पर अपने सुख के लिए हो जाता है तब हो जाता है काम हो जाता है, इसलिए कहते हैं आत्मेंद्र प्रतिवंशा धरे बलि काम कृष्णेंद्र प्रतिवंशा धरे प्रेम राम, काम और प्रेम की परिभाषा ये डेफिनेशन, जहां पर अपने सुख होता है वहां पर काम हो जाता है, और जहां पर एकमात्र कृष्ण के सुख कैसे हो उसी की कार्य प्रेम का है, किंतु इस जगत में संभव नहीं, कि माई जगत कृष्ण लीला में ये संभव है, गोपियों के लिए ये विशेष में दिखा है, इसलिए काम नंद हिंसा भी गोपी प्रेम निर्मल उज्जवल शुद्ध जन दप्त हेम, गोपियों के हृदय में कैसे जानो निर्मल पवित्र उज्जवल सत प्रकाशमान अजन शुद्ध दप्त हेम,
जिस प्रकार सोने के जो बार बार यदि आग में रखा जाए उस सोने के अंदर में जितने भी मैल जो है वो अपने आप निकल जाता है, उसी प्रकार निर्मल शुद्ध पवित्र प्रेम गोपी के हृदय में। कृष्ण सहाय गुरु बांधव प्रियसी गोपिका है प्रिया शिष्य सुखी दासी। गोपिका जानेन कृष्णेन मने रोमांचित प्रेम सभा परिपाटी इष्ट समीहित। कृष्ण के साथ किस प्रकार संबंध भी बताते जा रहे, कृष्ण के सहाय कृष्ण के जो कुछ है सहायता कर, जैसे माता पिता पुत्र कर्ण के सब प्रकार हेल्प करते, उसी प्रकार गोपियां कृष्ण की भी हेल्प करते। गुरु रूप में उपदेश भी देते, गुरु शिष्य के जिस प्रकार सत उपदेश देते उसी प्रकार गोपियां कृष्ण के लिए विष्णु के लिए राधा जी गोपियां कृष्ण के लिए सद उपदेश देते। बांधव अपने मित्र के भांति व्यवहार आदि करते हैं, प्रेयसी के भांति सुमिष्ट स्नेह ममता युक्त वचन आदि के द्वारा कृष्ण के प्रति व्यवहार करते हैं। गोपी का है कृष्ण प्रिया शिष्य सुखी दासी, और गोपी का गोपी गोपियां भी कृष्ण के प्रति उसी प्रकार भावना रखते हैं, सेवा आदि करते रहते हैं। गोपिका जाने कृष्ण मन रवांचित प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समीहित। देखो यहाँ पर कृष्णदास कविराज भी करें, गोपियां कृष्ण के मन की भावना जान तब सुंदर रूप में सेवा होगी। सेवा ठीक से कौन करेगा, जो इष्ट देव के हृदय को जानते हैं। जैसे गुरु अध्यय आए हैं बहुत दूर देश से, बुद्धि गुरुदेव चल करके आए हैं, तो उसके लिए क्या देना चाहिए, पानी लिया है? कौन सा पानी चाहिए, गर्म पानी ठंडी पानी है? यदि उनके गुरु के हृदय नहीं जाने तो ठीक ठीक उनकी सेवा करने पाए, ये कर इसलिए करें जो गोपी का जा कृष्ण सुखी हो, कृष्ण सुख के लिए ही गोपियां कभी कभी अड़फट बात भी बोलते थे, हर्षवर्ष बोलते उसमें सुख कृष्ण के सुख हो। कृष्ण सुख हेतु सब करें व्यवहार, कृष्ण के सुख और कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं कि सेवा की परिपाटी और ठीक ठीक सेवा कर पाएंगे जो हृदय के जानते हैं। यदि हम नहीं जानते सेवा कैसे करेंगे, इसलिए उसके जानना पड़ेगा। सेवा कोई कर पाएगा ठीक से
जिस कारण सर्व गोपिषु सेविका विष्णु अत्यंत बल्लभा है। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य पुण्यं प्रियं तथा सर्व गोपिषु सेविका विष्णु अत्यंत बल्लभा। जिस प्रकार राधा कुंड अत्यंत प्रिय है ठीक उसी प्रकार राधा जी कृष्ण के अत्यंत प्रिय है, क्योंकि राधा कुंड और श्रीमती राधा में कोई दीवार के द्वारा सजा करके रखा है, किंतु एक कुंड है कि क्या चीज साक्षात राधे कृष्ण प्रेम के द्रवीभूत अवस्था का है। जो उच्च कोटि के संत महात्मा होते हैं ये सब चिंतन करते हैं। हम लोग स्थूल विचार से स्थूल दृष्टि से देखते हैं ग्रस्त है। कुंड कैसे सृष्टि हुई ऐसे स्थूल व्यक्ति लोगों के लिए ये समझ में बताए मन को लीला कथा सुना दी अनेक पुराण में अनेक कथा सुना दी। किंतु यदि प्रेम उसको मारा और वो विशाल शरीर था उनको गाय के भांति बैल के भांति उसको मारे तो गोपियां कहने लगे देखो तुम गोहत्या कर दिया। कृष्ण कहते थोड़ी वो गाय थोड़ी था वो तो असुर था। बोले नहीं भगवान भी ब्राह्मणों के मुख से भी भोजन करते हैं, ऐसे भी सत्य ने कहा। ब्राह्मण के कभी भगवान अनादर नहीं किया, सत्य ब्राह्मण है। ब्राह्मण के भोजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य मात्र कर्तव्य है ब्राह्मणों को भोजन कराओ। नमो ब्राह्मण नमन नदी और गो नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण सबके हित करते हैं भगवान। विशेष करके भगवान गायों की क्या करते हैं पालन करते हैं पोषण करते हैं रक्षा करते हैं है कि नहीं पता है। शास्त्र में लिखा गया गायों के एक एक क्या बोलते हैं लोम में
समस्त देवता लोग विराजमान जाते हैं, ये समस्त वर्णन हिंदू शास्त्र के अनुसार गाय ही अमर जो है देवता सब। यह तक भी कृष्ण जब छोटा थे बछड़े अथवा गाय चराने के जब गाय कृष्ण मैं भी गाय चराऊंगा गोचारण कर नंद जसदा बोले नहीं अरे कितना बोले न करे क्या जरूरत, किंतु कृष्ण ने क्या बोले नहीं हम गोप जाती है अपने धर्म का पालन करें, तुम धूप में कैसे चलोगे इतने कड़ी धूप और ब्रज की रास्ते में अनेकों कांटे हैं, कांटे हैं नकुले पत्थर है तुम कैसे, किंतु कृष्ण फट दूध देती है वो हमारे इष्ट देव देव गाय, इसलिए हम कैसे जूता पहने, किंतु नंद महाराज कल नहीं जूता पहने, तो कृष्ण ने जुक्ति दिखाया हमारे इष्ट देव गाय उनके जूता कहाँ है, जूता देते एक एक गाय जो कितने दो जोड़ी जूता देना पड़ेगा और सबके पीठ पर एक एक करके छत्र छाता भी लटक गए, ये क्या संभव है क्या संभव। इसलिए कृष्ण जो गोचारण आदि करते थे नंगे पैर कभी जूता चप्पल नहीं पहने और कभी छत्र विधान सिर्फ आधार नहीं किया, मेरे कहने की इसी प्रकार है वो ब्राह्मण के कैसे गीत करते हैं जिसके गायों तो मार करके तो मैं उत्तम गति दे दी, किंतु गोपियां भी कम नहीं, गोपियां क्या बोली नहीं तुमने गो हत्या की, अच्छा बोले कृष्ण बोले अच्छा मैं हार गया तुम्हारी युक्ति से तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अरे तुम समस्त तीर्थ में जाकर के स्नान करो, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भारत में जितने भी पवित्र नदियां हैं तीर्थ है सब तीर्थ में स्नान, कृष्ण बोले अच्छा, कृष्ण ने क्या की और गोहत्या की जो हवा तुमने गोहत्या किया
इसलिए बहुत यहोवा हमारे लग गया, हम लोग भी अब इसलिए क्या करना चाहिए। कृष्ण कहने लगे देखो एक काम करो, आप लोग सभी मेरे कुंड में स्नान करो, पवित्र हो जाओ, कृष्ण कुंड में स्नान करो। क्योंकि श्रीमती राधिका हट करने लगे तुम्हारे कुंड में क्यों स्नान करें। कृष्ण बोले कन्हैया तुमने जैसे कुंड प्रस्तुत कर दिया अपने वंशी के द्वारा, कांगन के वहां अभी पानी कहाँ है। फिर राधा जी बोले चलो सब सके बोले गड़ा भर करके पानी लाते हैं, मानसी गंगा से पानी भर के लाते, हजारों सैकड़ों गोपियां राधा जी के साथ फिर पानी भरने के लिए चलते हैं। और इतने समय समस्त पवित्र तीर्थ नदी आदि के अधिष्ठात्री देवता राधा आदि गोपी के चरण में बिल्कुल सो गए, शरणापन्न हे श्रीमती राधी के आप ऐसे मत, कहां आप और कहां हम। तो ऐसे करने पर कृष्ण श्रीमती राधे के हृदय द्रवीभूत हो गए, समस्त तीर्थ नदी आदि की स्तव स्तुति सुन करके राधिका के हृदय द्रवीभूत, करुणामयी करुणामयी श्रीमती राधिका के हृदय द्रवीभूत, और समस्त तीर्थ आदि जो है अपने अपने नदी आदि से घड़ा भर करके और राधा जी के कुंड उसको भर दिया। कृष्ण बोले अच्छा संगम से और दोनों के बीच में जो रास्ता है जैसे संगम कहा जाता है, राधा कुंड और शंख कुंड के बीच में, तो कृष्ण ने क्या कि वंशी के द्वारा उसको छेद कर दिया, अर्थात कृष्ण कुंड के जल राधा कुंड और राधा कुंड के जल कृष्ण कुंड में। तो इसी प्रकार लीला दी गई है। क्या ये राधा जी की प्रेम आदि माधुर्य कृष्ण कुंड और राधा ने इसमें जो हम करें ये सर्व विष्णु जैसे श्रीमती राधिका कृष्ण के अत्यंत प्राण प्रियतमा, उसी प्रकार राधा कुंड भी प्रिय। ये श्लोक में कह रहे हैं तब तक कथा सुनाओ तो नींद आ जाएगी और एक करके सब भग जाएगी, तब तक सिद्धांत भी है उसे समझना बहुत कठिन है। जैसे मैंने अभी तक कोई प्रारंभिक कह दिया विरुद्ध धर्ममय और विरुद्ध धर्माश्रय, कृष्ण कहा जाता कृष्ण के क्या बोले विरुद्ध धर्ममय, श्रीमती राधिका विरुद्ध धर्म आश्रय, समझना कठिन कहां से। छत्र वृंदावन पुरी तथापि गोपिका पार्थ जत्र राधा राधा विधाम स्वयं भगवान कण के वृंदावन यह पृथ्वी है ना, क्यों यहां पर राधा वृंदावन धाम, एक एक ब्रह्मांड में कितने वृंदावन धाम है रमेश बताओ, एक ही ब्रह्मांड में एक ही
एक ही वृंदावन आज ना, जो आप ग्लोब ग्लोब देखते हैं, अमेरिका से लेकर के यूरोप से लेकर के जो ग्लोब देख रहे हैं, ये सारे चौदह देश एक ब्रह्मांड में एक ही वृंदावन, दो नहीं। और उस वृंदावन में राधा कुंड और श्याम कुंड कृष्ण, इसमें त्रैलोक्य पृथ्वी धन्य सर्व मर्त पाताल, इस तीन लोक में पृथ्वी देवी जो है श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? जत्र वृंदावन पुरी तथापि गोपिका पार्थ जत्र राधा मन। इस पृथ्वी धन्य किस लिए है? जहां पर वृंदावन और जहां पर स्वयं भगवान कृष्ण है, अनेक जो मधुर लीला दी है। वृंदावन छोड़ करके कृष्ण के सर्वोत्तम मधुर लीला कहीं प्रकाश नहीं है। इंग्लैंड कोई, अमेरिका कोई, चाहे धनी देश है, कहा जाता है, किंतु वृंदावन ऐसे अनूठा स्थान। वृंदावनपुरी, और उस वृंदावन में कृष्ण जी ने कैसे कैसे सुंदर लीला दी है। इसलिए संग भगवान कहने लगे, हे पार्थ, हे अर्जुन, समस्त गोपियों में सर्वश्रेष्ठ सुमति राधिका है। राधा जी सर्वश्रेष्ठ, भगवान कृष्ण अपने मुखारविंद से राधा आदि गोपी की प्रशंसा। राधा सा क्रीड़ा रस विधि करण आरस गोपीगण रस उपकरण कृष्ण वल्लभा राधा कृष्ण प्राणधन तहा भी नीघु नहे गोपीगण। फिर कर कृष्ण वल्लभ राधा कृष्ण प्राणधन, कृष्ण के वल्लभ स्वयं राधा जी और कृष्ण और कृष्ण के प्राण स्वरूप श्रीमती राधिका, तहां भी कृष्ण भी सुघेतु नहे गोपिका। इसलिए चैतन्य कृष्ण भी ये समस्त विचार कर, ये राधा के हृदय में कौन सा एक प्रेम है जिस प्रेम के द्वारा मुझे सदा सर्वदा वशीभूत करके रखते हैं, ढूंढना पड़ता। लक्ष्मी देवी नारायण को वशीभूत करें, इसलिए नारायण सदा सर्वदा वैकुंठ में नहीं रहते, कहां रहते? नाहम दृष्टामि वैकुंठे न च जगन हृदय च मद भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। स्वयं भगवान नारद, एक स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु नारद के कहने लगे, नाम बसावे वैकुंठ, मैं सर्वसदा वैकुंठ में नहीं रहते। न चो जगिन हृदय चो, बड़े बड़े जोगी लोग ध्यान मुद्रा आदि के द्वारा गोविंद को अपने हृदय में धारण करते, इन्हें भगवान कहते मैं वहीं पर नहीं रहते। नाहम बसावे वैकुंठ न चो जगिन हृदय मद भक्त जत्र गायंती, भगवान विशुद्ध वैशिष्ट है भक्त वास्तव है, मेरे भक्त जहां पर मेरे कथा को जब कीर्तन करते मैं साक्षात रूप में वहां पर प्रकट होते, जिससे जगन्नाथ देव की कथा माँ रहिणी देवी 16108 पाठ रहने के साथ जब कृष्ण के ब्रज लीला कथा ब्रज कांड जब वर्णन शुरू कर दिए और कृष्ण बलराम आकर के सुभद्रा के अगल बगल में डायने बाएं में बैठ गए और उनके चित्त उनके शरीर बिल्कुल बर्फ के भांति पिघल गए, तीनों के शरीर बलदेव प्रभु और सुभद्रा और राधा, तीनों शरीर बिल्कुल द्रवीभूत हो गए। बोले ब्रज की प्रेम कथा जो है इतने उच्च कटि के संग भगवान के हृदय के भी द्रवीभूत कर, राधा सेवा कर रस वृद्धि कारण आर सभा को भी कारण रसोप कारण
कृष्ण बलवदा कृष्ण प्राणदान तहां बिनु सुगेतु नहे कोपिगन। कृष्ण के अत्यंत बल्लभा श्रीमती राधा और कृष्ण उनके ही प्राण धन स्वरूप तहां बिनु कृष्ण सुगेतु नहे कोपिगन। श्री राधा भाव लया चैतन्य अवतार जुगधर्म नाम प्रेम कैल परचार वही स्वयं कृष्ण द्वापर युग के अंत में कलि युग की प्रारंभ में राधा भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए। और आर्टिकल समझ लो सही राधा भाव चैतन्य अवतार जुगधर्म नाम प्रेम कैल प्रचार अर्जुन युग युग अवतार आते कहते यहाँ पर आ रहे स्वयं कृष्ण गौरांग रूप में आए और नाम प्रेम के द्वारा समस्त जगत जीव को उद्धार कर जिसके नाम ही प्रधान कारण है। सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या भगवत नाम, जो जितने परिमाण नाम करते हैं उनके हृदय में उतना परिमाण ही चित अनुभव होता है, इसे नाम के ऊपर जोर दिया है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम रही पाए कृष्ण पदे प्रेमोधन नाम रूप सच्चाधि कृष्ण, इसलिए अधिक से अधिक हम नाम कैसे कर सकते हरिनाम समस्त मेरे कहते हैं ये नाम ही संग भगवान नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विक्रम पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न त्वात नाम नाम भगवत नाम जो जितने करो उतना अनुभूति होगा आनंद होगा। किंतु प्राथमिक स्टेज में नाम करने की इच्छा नहीं रहती, इच्छा रहती है काम करने में इच्छा रहता है। 6 घंटा आप काम कर सकते हैं, 6 घंटा परिक्रमा भी कर सकते हैं पैदल से, किंतु 1 घंटा शास्त्र अध्ययन और ये सब बहुत कठिन होता है, नाम करना बहुत कठिन हो जाता है। हो सकता है शास्त्र भी अध्ययन कर ले पढ़ ले किंतु 1 घंटा बैठ कर कोई नाम करो कितना कठिन होता है। जड़ जगत के लोग इसमें समझ नहीं पाते, बोले साधु लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सब खाता है और सोता है। किंतु नाम इतने सुंदर मधु नाम पर सब कुछ प्राप्त होते हैं। जड़ व्यक्ति की भी समझ में नहीं आता ये नाम कितने मधुर, नाम ही हमें सब कुछ प्राप्त। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधी नाम लेके कृष्ण पदे पाए नाम ही सब करते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। नाम की महिमा जो हरि से बड़ा हरि का इसलिए नाम प्रभु आजकल प्रभु कहाँ गए तो बैठे हुए हैं, बोले 7 बजे आते हैं 7:30 बजे क्या चलो आगे की कथा। इसलिए स्वयं भगवान भी कह रहे हैं अर्जुन सुनो तो ये लोग के पृथ्वी इदम ना यत्र वृंदावन पुरी तथापि गोपिका पार्थ जत्र राधा उविदामो। वृंदावन से पृथ्वी श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि जहां पर कृष्ण राम कृष्ण प्रकट है और कृष्ण के अत्यंत प्रिय श्रीमती राधिका, इसलिए राधा जी संपूर्ण रूप से कृष्ण सेवा कृष्ण सेवा करना है तो क्या करो राधा जी की
अनुगत में चला। वृंदावन बिहारी जय जय हरे नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 आरती करो फोन आरती।